आज हम बात करने वाले हैं टीएलवी यानी थ्रेसोल लिमिट वैल्यू के बारे में और साथ ही साथ कुछ गैसेस की टीएलवी वैल्यू भी देखेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं टीएलवी क्या है यानी एल लिमिट वैल्यू द कंसेंट्रेशन ऑफ ए हजार एयर विच इट इज दैट वर्कर्स मे बी रिपीटेडली एक्सपोज डे आफ्टर डे फॉर ए वर्किंग लाइफ टाइम विदाउट एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स यानी अगर किसी वर्क प्लेस के एयर में किसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन मौजूद हो और वहाँ पर कोई वर्कर काम कर रहा है और वो वर्कर किसी गैस से कंटिन्यूस एक्सपोज हो रहा है डे बाय डे बिना किसी रेस्पिरेटरी पीपीज के लाइफ टाइम एक्सपोज होगा उसके एक्सपोज से जो वर्कर हैं उसके हेल्थ पर किसी भी प्रकार का चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इसी कंसंट्रेशन को हम किसी गैस का या किसी केमिकल का थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू कहते हैं अब हम एग्जाम्पल के साथ थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू को समझते हैं। मान लो यह एक वर्क प्लेस यानी कार्य करने का जगह है यहाँ पर कुछ वर्कर्स काम कर रहा है और इसी वर्क प्लेस पर H2S टू एस गैस का कंसेंट्रेशन है वो भी कितना टेन पी पी एम यहाँ पर हम 10 ppm क्यों ले रहे हैं क्योंकि H2S गैस का TLV वैल्यू लेस देन 10 पी है यानी H2S गैस का कंसनट्रेशन अगर 10 ppm से कम है तो हम उसको TLV में कंसीडर करते हैं अब वर्कर्स यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं और ये वर्कर्स H2S गैस के कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं तो इन वर्कर्स पर किसी प्रकार का कोई हेल्थ इफेक्ट नहीं पड़ेगा जैसे डिजीनेस हेडक वीकनेस Irritability, eyes and respiratory irritation, insomnia and upset. तो ये सब गैस है, जो इस प्रकार के वर्कर के ऊपर कोई हेल्थ इफेक्ट नहीं पड़ेगा अब हम कुछ गैसेस की TLV वैल्यू देखते हैं तो प्रत्येक हजार यानी थ्रेसोल्ड लिमिट वैल्यू अलग अलग होती है जैसे एन एच थ्री यानी अमोनिया अमोनिया का थ्रेसोल लिमिट वैल्यू है ट्वेंटी फाइव पी पी एम वही एच टू एस यानी हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड का टी एल वी वैल्यू है टेन पी पी एम अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो टी एल वी वैल्यू है ट्वेंटी फाइव पी पी एम वहीं सल्फर डाइऑक्साइड की टी एल वी वैल्यू है टू पी पी एम आई होप आपको थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू समझ में आया होगा इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो थैंक यू